लक्ष्मी रुको ना प्लीज, यही सही समय। देखो अभी सब लोग सो गए, घर में सन्नाटा छाया हुआ, कोई हमें पूछने नहीं आएगा, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करने का। इसलिए कह रही हूँ कि ये सही समय नहीं है, रात हो गई है। किसी ने अगर हमें देख लिया या किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में हूँ, तो वैसे ही अलग अलग तरीके के सवाल उठाते हैं लोग हमारे रिश्ते पे, मेरे चरित्र पे, मेरे संस्कारों पे। इसलिए मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है ऋषि। देखो जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे पता है ना तुम कितनी अच्छी हो। प्लीज लक्ष्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुमसे इस वक्त बात करनी है वो जो चोर आया था ना उसके बारे में बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है मैं उस चोर को जानता हूँ। जानता हूँ मतलब? हाँ जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। प्लीज बैठो थोड़ी देर, मैं तुमसे तुम्हें बताता हूँ। प्लीज 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 बैठो यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं बैठना नहीं है, मतलब अभी कोई जरूरत नहीं है बात करने की, हम आराम से कल बात करेंगे। अरे यार ऋषि एक मिनट रुको तो सही, बात तो सुनो मेरी। देखो कल तो कभी आने ही नहीं वाला तुम्हारा, मैं जानता हूँ ना, कल आएगा ही नहीं, तुम भूल जाओगी। प्लीज प्लीज दो मिनट मेरी बात सुनो, मेरी लाइफ का सवाल है, कुछ इंपॉर्टेंट बताना। प्लीज बैठो, जल्दी बैठो यहाँ पे। देखो मुझे ये बताना तुम्हें, जो मुझ पर अभी हमला हुआ ना, ये पहले भी हो चुका है। पहले भी मतलब? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, पहले भी हुआ है। वो हॉस्पिटल में, जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तो मुझ पे वहाँ पे भी हमला हुआ था। लक्ष्मी, लक्ष्मी आ गई थी, इसका मतलब उसने तुम्हें देख लिया। हे भगवान, उसने तुम्हें पहचान लिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है सलोनी, उसने नहीं पहचाना मुझे। और कैसे पहचान लेती, मैंने मास्क पहन रखा था, उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि मास्क के पीछे कौन है, नहीं तो मास्क उतार के देख नहीं लेती। उसे लग रहा था बस एक चोर चोरी करने के लिए आई गई, लेकिन फिर भी उसने मुझे पकड़ लिया था। पकड़ लिया, इसका मतलब वो तुम्हारे इतने करीब थी। हॉस्पिटल में कैसे हमला हो सकता है, कब? मैं तो वहीं थी, तो फिर मुझे कैसे नहीं पता चला? वो सब मैं नहीं जानता लक्ष्मी, लेकिन इतना जानता हूँ कि मुझ पे हमला हुआ था, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच में हुआ था मुझ पे हमला। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पूरे टाइम वहीं थी, बल्कि तुमने ऐसा किया था। वो बेहोशी की हालत में वो नर्स तुम्हें जब इंजेक्शन देने आई थी, तो तुमने उनका गला पकड़ लिया था। हाँ दादी ने बताया मुझे कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे हमला हुआ था हॉस्पिटल में, मुझे मारना चाहता था वो इंसान। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन बेहोशी में तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था या कुछ भी? अरे मुझे नहीं पता लक्ष्मी, मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कोई आया था, एक बंदा आया था, वो मास्क पहनते ना, वो मास्क पहन के आया था, और उसका चेहरा तो मैं ढंग से नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आँखें थी। हाँ उसकी आँखें मैंने अच्छे से देखी थी और मुझे याद भी है, और ये जो चोर अभी आया था ना, उन दोनों की आँखें मिलती है। मुझे तो लगता है वो सेम ही इंसान है। हाँ उन दोनों की आंखें भी बिल्कुल सेम, वो इंसान जो मुझे हॉस्पिटल में मारने आया था, वो मुझे यहाँ पे घर पे मारने आया। क्या बोल रहे हो तुम, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ लक्ष्मी, मैं भूल ही नहीं सकता वो आंखें उसकी, वो जो आंखें उसकी थी ना, वो सेम आंखें इस चोर की थी। मेरी बात का यकीन करो। मैं कैसे, तुम बेहोश थे हॉस्पिटल में, तुमने बेहोशी में आंखें देखी और फिर वो तुम्हें याद भी रही, और अब तुमने आंखें पहचान भी ली, कैसे? और यहाँ जो आया था वो तो चोर आया था ना यहाँ पर, तो हॉस्पिटल में चोर क्या करने आएगा? राइट बिल्कुल सही कह रही हो, एग्जैक्टली चोर का क्या काम है हॉस्पिटल में, कोई काम नहीं होता है। वो पक्का मुझे मारने ही आया था, और वो जो अभी यहाँ पे चोर आया था ना, वो यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था, वो मुझे मारने ही आया था, वो मुझे मारना चाहता है। सच कह रहा हूँ लक्ष्मी, वो जो चोर यहाँ पे आया था ना, वो चोरी करने नहीं आया था, वो मुझे मारने ही आया था। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।